ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी के नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पश्चात में निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेष्टा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासी गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है और कल भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में नंद उत्सव मनाया जाएगा। तो इसके विषय में कुछ थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास करते हैं। नंद उत्सव भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में प्राकट्य के दूसरे दिन नंद महाराज अपने साथियों के साथ और गोकुलवासियों के साथ बड़े धूमधाम से मनाया गया। सबसे पूर्व भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया, उनको भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों से प्रसन्न किया गया, उनको नव वस्त्र उत्पन्न किए गए और भगवान की प्रशंसा के लिए भगवान के नामों का गुणगान किया गया, भगवान के नामों का कीर्तन किया गया। इस प्रकार से ब्रजवासी भगवान के प्रसन्नता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनके लिए ही सब कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना यही जीवात्मा का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसके लिए ब्रजवासियों से हम सभी मानव जाति को शिक्षा लेनी होती है कि भगवान को हम किस प्रकार से प्रसन्न करें। सबसे पूर्व गोपियाँ जो भगवान के साथ सबसे अधिक प्रेम करती थी, वो भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य के नंद उत्सव वाले दिन कई प्रकार के भेंटें अपने निवास स्थान से लेकर आई, कोई सुंदर सुंदर गहने, कोई फल, कोई फूल। भगवान सब कहते हैं, भगवद गीता में वर्णन करते हैं कि पत्र पुष्पम फलम तोयम। जो भी भगवान को भक्त प्रेम के साथ पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो ग्वाल बाल, गोपियाँ, नंद महाराज, ब्रजवासी, इनको भगवान से इतना प्रेम था कि वो जो भी भगवान को अर्पण करते थे भगवान उसको स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के भेंटें दी, कई प्रकार के भगवान के नामों का कीर्तन किया और भगवान के समक्ष सब इकट्ठे होकर उनके नाम का कीर्तन करते हुए नाच करने लगे, नाचने लगे। तो यही प्रथा आज ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में की जाती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का कीर्तन किया जाता है, उनके नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य किया जाता है और भगवान को भिन्न भिन्न भेंटें अर्पण किए जाते हैं। इस्कॉन में विशेषकर बड़े जो प्रभुपाद जी ने जो सिखाया है, जिस तरीके से, उस तरीके से ही ये नंद उत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव ये धूमधाम से मनाए जाते हैं। जिस समय ब्रज के अंदर जब भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, उस भाव से जो भगवान को प्रसन्न किया जाता था, उसी भाव को प्रभुपाद ने इस्कॉन में दिया हुआ है और उसी को पालन करने का भाग्य भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद।